गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हिंदी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेवेंथ को हिंदी फर्स्ट लेसन सिक्स टाइम पढ़ेंगे। जैसे टाइम नाम से ही आप सब जानते हैं कि टाइम किसे कहते हैं। टाइम हमारे पापा के जो बड़े भाई होते हैं उनकी जो पत्नी होती है उसको टाइम कहा जाता है। वो रिश्ता जो है हमारे लिए टाइम कहलाता है। तो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी ने ऐसे ही एक रिश्ते की कहानी ये लिखी है कि एक ताई है, एक ताऊ है, वो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये जो ताई है, बच्चों की ताई है, इनके पास बच्चे नहीं है। तो इसमें विशंबरनाथ जी ने इस कहानी में यही दर्शाया है कि जब किसी स्त्री के पास बच्चे नहीं होते तो वो कितनी कुंठाग्रस्त रहती है। यहाँ पर उन्होंने एक स्त्री के हृदय की संतानहीनता उनमें होने के कारण जो उसके हृदय कुंठाग्रस्त है उसका वर्णन किया हुआ है और वो उस कुंठा में होकर क्या क्या हरकतें कर जाती है जो उसे खुद नहीं मालूम रहता है। तो इस ताई कहानी में उन्होंने इस बात को दर्शाया है। तो यहाँ पर यह है कि एक परिवार है जिसमें दो भाई हैं। बड़े भाई के पास बच्चे नहीं है, छोटे भाई के पास दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और जो बड़े भाई हैं उनकी वाइफ है रामेश्वरी देवी। वो जो है वो हर वक्त इसी उसमें रहती है क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं है, इसलिए वो और बच्चों से खिसियाती है और बच्चों को प्यार नहीं करती है और पसंद भी नहीं करती कि बच्चे उनके पास आए या उनसे खेले या उनसे बातचीत करें। रामदास जी और कृष्णदास जी, तो जो बड़े भाई रामजीदास हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से बच्चों को और अपनी पत्नी को पास में ले आए और पत्नी उनसे प्यार करने लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई बार ऐसी हरकतें होती हैं और जो इनकी ताई हैं रामेश्वरी देवी वो खिसिया जाती है बच्चों से और बच्चों को बुरा भला कह के या धक्का मार के हटा देती है। इसी बीच में बच्चा जो है, जो लड़का है मनोहर, छोटा बच्चा है मनोहर, वो अपने ताऊ जी से गाड़ी मांगने गाड़ी के लिए कहता है, मांगता है कि हमें गाड़ी ला दो, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊँगा, मुझे गाड़ी ला दो। तो रामजी दास उससे मजाक करते हैं, तू अपनी गाड़ी में किस किस को लेके जाएगा। तो वो केवल कहता ताऊ को ले जाएंगे और अपनी बहन चुन्नी को ले जाएंगे, उनके लिए बोलता है, लेकिन केवल अपनी ताई को नहीं ले जाना चाहता क्योंकि उसे ये शक है कि वो ताई को प्यार करेगी भी कि नहीं करेगी। उसे भी पता है कि ताई हमें प्यार नहीं करती है। खैर, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो इन दोनों के बीच में होती रहती है नोकझोंक। और कई बार उन्हें वो उसकी गोद में बैठाते हैं बच्चों को तो वो धक्का दे देती है, लेकिन ऐसी तरह की बातें होती रहती हैं। और फिर क्या होता है, एक समय आता है ऐसा कि ये छप्पर है, पतंग उड़ रही है, बच्चे हैं, जैसे बच्चे पतंग उड़ता देखते हैं तो उनका भी मन करता है कि हमें भी पतंग मिल जाए, हम भी पतंग उड़ाएंगे। तो अपनी ताई से कहता है, ताई मुझे भी पतंग उड़ा दो, मैं भी पतंग उड़ाऊंगा। अब बच्चे का जो बोलने का ढंग होता है वो ऐसा होता है कि किसी का भी मन पसीज जाएगा, ताई का भी मन पसीजा और उनको भी प्यार आया और उन्होंने उठा के उसको प्यार भी किया होगा और उनके मन में आया होगा कि हम उसको पतंग उड़ा के दे दें। लेकिन हुआ क्या, उसी टाइम थोड़ी सी देर हो रही होगी, ऐसा हो सकता है, और बच्चे ने कह दिया, अगर तुम मुझे पतंग उड़ा के नहीं दोगे तो मैं ताऊ जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और तुमको पिटूंगा। अब ताई जो थी उनका गुस्से से पारा हाई हो गया और उन्होंने बच्चे को धकेल दिया और उनका चेहरा जो था वो गुस्से से लाल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, पतंगें उड़ रही थी, जब पतंगें उड़ती हैं तो पतंगें कटती भी हैं और बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं घर में पकड़ने के लिए। वही हुआ, उनकी छत पर पतंग आई, बच्चे जो थे, बच्चे का मन है पतंग उसे चाहिए तो वो दौड़ने लगा उसको पतंग लेने के लिए। जब पतंग पकड़ने के लिए दौड़ने लगा, होते होते पतंग जो थी वो उड़ के उनके आंगन में जाती है। अब बच्चा जो था वो छत से सीधा सीधा दौड़ा, छज्जे को पकड़ के लटक गया,
में बताया हमने बहुत छोटे में, अब देखिए इसके हैं शब्द। शब्द में देख लीजिए,